देख रहे हैं न्यूज ट्रैक और मैं हूं श्रुति शुक्ला। आज हम बात करेंगे नेताओं की बेईमानी जिनका धर्म है। ये नेता बड़े बेरहम हैं, सेक लेते हैं राजनीतिक रोटियां, जब देखें तवा गर्म है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन्हीं नेताओं की जो जनता की सुरक्षा का दावा करते हैं, कहते हैं कि वो जनता के लिए सब कुछ करेंगे, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन फिर ये भाजपा विधायक क्या कर रहा है? जनता के बीच जा रहा है, लोगों से मिल रहा है। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं दिख रहा है। देखिए ये वीडियो। गौर से देखिए इस चेहरे को जिसे भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुना है। वो कैसे सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, आचार संहिता लगने के बावजूद रात में चोरी छिपे रैली निकाल रहा है। अब पहली बात तो ये कि सरकार के नियमों को ही इसने ताक पर रख दिया है, और दूसरी बात अगर कोरोना की करे तो आपने बीते 2 सालों में देखा होगा कि मंजर क्या था। वो शमशान घाटों पर लाखों की तादाद में जलती लाशों को आप कैसे भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं उस माँ का दर्द जिसने अपना बच्चा खोया? कैसे भूल सकते हैं उस औरत को जिसने अपना पति खोया? ऑक्सीजन मिल रहा था तो बेड नहीं मिल रहा था, और बेड मिल रहा था तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। देखिए इन जलती चिताओं को, आपकी रूह कांप जाएगी। वो मंजर कितना भयावह रहा होगा। और अब फिर ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई सतर्कता नहीं है। आखिर ये नेता चाहते क्या हैं? इन्हें चुनाव के आगे जनता दिख ही नहीं रही है। इस पुलिस वाले को देखिए, ये देश की सेवा के लिए तैनात किए गए हैं, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? इन्हें तो इस रैली को चाहिए था रोकना, लेकिन ये साहब उसे रोक रहे हैं जो इस रैली को रोकने के लिए वीडियो बना रहा था। अरे साहब, थोड़ी तो शर्म करो, अपना नहीं तो कम से कम इस खाकी का तो मान रखो। खाकी को खादी के तलवे चाटते देख आंखें शर्म से झुक जाती हैं, और गुस्से से हम खुद को संभाल नहीं पाते। ये वीडियो सिंघावली अहीर थाना इलाके का बताया जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक।